नरेश यादव को क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है? दायक जी के ऊपर भी पर्चा दर्ज होना। नरेश यादव की नजर में विनोद भ्याना झूठे हैं? सारे शहर में नहीं, पूरे हरियाणा में इनके ऊपर भू माफिया का टैग है और ये जमीन के सौदे में हर जगह झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहला पिलर विधायक जी ने आगे गिराया है। एक पार्टी से वोट लेंगे, एक पार्टी से नोट लेंगे तो तुरंत फैसला करा देंगे। डिस्प्यूटेड जमीन का जहां भी मुद्दा आएगा स्थानीय विधायक का नाम जरूर जुड़ेगा। क्या की रीजन है स्पष्टीकरण दें। SDM साहब के साथ बिठा के सामने बिठा के दोनों पार्टी का फैसला करते हैं। प्रतिनिधि का काम ये होता है, प्रतिनिधि का काम नहीं होता दोनों पार्टियों को झगड़े कराना। हरियाणा के हासी में इन दिनों एक मामला बहुत ज्यादा वायरल है और उस मामले में हिसार से सांसद जयप्रकाश उर्फ JP ने आग में घी डाल दिया है या फिर ये कहें सच्चाई का साथ दिया है। दोनों में से कौन सी बात है उसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और आप इस मामले को लेकर समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं हासी से BJP के विधायक विनोद भ्याना को पिस्तौल दिखाने का मामला है और इसी मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हासी के कद्दावर नेता, समाज से भी कहें या फिर जनता की आवाज कहें, नरेश यादव अभी हमारे साथ मौजूद है। यादव जी, पिछले 3-4 दिनों से लगातार एक मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है, पूरे हरियाणा की नजर इस मामले पर है। नरेश यादव को क्या लगता है इस पूरे मामले में कौन सही है कौन गलत है? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। और मैं आपके चैनल पे पहली बार इंटरव्यू दे रहा हूँ जी, और उसके लिए भी आपको बधाई कि आप यहाँ तक पहुँचे जी। सबसे पहले तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि ये जो मामला है इसको बहुत मतलब विशाल बना के दिखाया जा रहा है और इसमें भी मुझे लग रहा है विधायक जी अपनी जिम्मेवारी निभाने में नाकाम रहे हैं जी। जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं उनका ये काम नहीं होता कि दो गुटों का झगड़ा कराया जाए जी। जनता के प्रतिनिधि का काम होता है दोनों गुटों को बिठा के, उनके हाथ में आज प्रशासन है, प्रशासनिक अधिकारी को बिठा के जी, दोनों पार्टी को बिठा के आमने सामने करा के इसकी जांच कराते और जांच करा के दूध का दूध और पानी का पानी करते और फिर भी नहीं हो रहा है तो हमारे जो माननीय कोर्ट हैं वो बैठी हैं, अपना अपना दावा वहां लेके जाएंगे पार्टियां और ले लेंगे। दीवानी मामला है इसमें, तो विधायक को मौके पे जाके दो पक्षों का झगड़ा करवाया, उन्होंने करवाना ही नहीं चाहिए जी। लेकिन नरेश यादव जी, जनता का नुमाइंदा है, जनता के विश्वास के ऊपर जनता की समस्याओं का समाधान करना कहां का गुनाह है? आप क्यों उनको गलत ठहरा रहे हैं? मैं गलत नहीं ठहरा रहा हूं जी। जब पता है कि वहां पे झगड़ा है उस जमीन को लेके यूनियन और किसी पार्टी सेकंड पार्टी के बीच में, तो आप एक बात बताइए उस झगड़े में क्यों जाना है? प्रशासन है ना आपके पास, ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करो, जिसकी जमीन है उनके अपने अपने डॉक्यूमेंट मंगवा लो। लेकिन वो तो कहते हैं कि मेरे पास फोन आया था और मैं तुरंत समस्या का समाधान करने के लिए भाग खड़ा हुआ, क्योंकि जनता से प्यार ही उनको इतना है। फिर जब उनके पास जनता का फोन आया था, जनता के जब इतनी जनता वहां है तो फिर ये इतना ये क्यों कह रहे हैं मेरे पे बंदूक तान दी? फिर ये दोनों बात तो सही नहीं हो सकती। जनता ने बुलाया, जनता उन पे बंदूक क्यों तानेगी? वो अपना फैसला तो ले ले कि दोनों बात खुद खुद क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब नरेश यादव की नजर में विनोद भ्याना झूठे हैं? मैं कहता हूं सुर्खियां बटोरने में नंबर वन इंसान है। सुर्खियां कैसी, झूठी या सच्ची? मैं कहता हूं उसको अपने पक्ष की सुर्खियां चाहिए। आप सुन लो, इस झगड़े के अंदर मैं आपको आज ही बता देता हूं जी, अब एक पार्टी से वोट लेंगे एक पार्टी से नोट लेंगे तो तुरंत फैसला करा देंगे, उनका काम है ये। अरे हासी के यादव साहब बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं, आप सोच लीजिए एक जन प्रतिनिधि के ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा। मैं आपको कहता हूँ हासी के शमशान घाट का मुद्दा उठा, उसमें विधायक जी का नाम अटैच, कब्रिस्तान की जमीन का मुद्दा उठा, उसमें विधायक जी अटैच, अब ट्रक यूनियन की जमीन का मामला आ गया, उसमें विधायक जी अटैच। कहीं ना कहीं पर्सनल इंटेंशन नजर आ रही है, शहर में पूरे चर्चे हैं कि इनकी पर्सनल इंटेंशन थी, नहीं तो प्रतिनिधि तो सबके हैं, वो अच्छे और बुरे सब लोगों के प्रतिनिधि हैं वो, तो अगर कोई उनको दिक्कत आ रही थी तो वहां मौके पर जाके, अब उनका एक मैंने सुना है किसी का बयान, वो बोल रहे हैं कि पहला पिलर विधायक जी ने आगे गिराया है। क्यों विधायक जी किसी का पिलर क्यों गिराएंगे? अगर कोई चीज गलत है तो प्रशासन से उसकी जांच कराएं। विधायक जी पिलर गिराने गए हैं तो इसका मतलब उनकी पर्सनल इंटेंशन है। मैं किसी को नहीं कहता ये जमीन ट्रक यूनियन की है, मैं किसी को नहीं कहता किसी सेकंड पार्टी की है, जमीन का फैसला कोर्ट करेगी। हमारी जितनी भी जमीन 7 पीढ़ी हो गए, हमारे जमीन ज्यादा होंगे, सारे आज तक फैसले कोर्ट कर रहे हैं जी। विधायक जी का एक बयान सामने आया, उसमें उन्होंने कहा है कि मैं 50 साल से देख रहा हूं कि ये जमीन जो है ट्रक यूनियन की है, 50 साल से वो देख रहे हैं।
500 साल से लाल किला बना हुआ है, उसके ऊपर भी दावा है किसी ना किसी का, 50 साल से किसी के बैठना ये प्रमाण नहीं करता कि जमीन किसकी है जी। डॉक्यूमेंटली प्रमाण ले आएंगे, जिसकी डॉक्यूमेंट्री ट्रक यूनियन की, तो ट्रक यूनियन को दे दो। 500 साल से मैम का बाग भी तो देख रहे हैं, मैं कह रहा हूं वो भी बेच खाया। आप एक बात बताइए, 500 साल से मैम का बाग भी बेच खाया, तो ये तो किसी फैसले में जाई मतलब जाके सत्यता कर ही नहीं सकते। 500 साल पुराना मैम का बाग किसने बेच के खाया? वो भी इन्होंने खाया है। तो मैं कहता हूं प्रॉपर्टी के मामले में, यादव साहब बमाल की बात है, आपने कब्रिस्तान का जिक्र कर दिया, आपने मैम बाग का जिक्र कर दिया, आपने तमाम जगह का जिक्र कर दिया, और आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो देख रहा हूं शमशान घाट की जो माल टाउन में था उनमें वो नामजद है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में। अगर उनको लगता है कि वो सही थे इस मैटर पे, तो दोनों पार्टियों को एसडीएम साहब के साथ बिठा के सामने बिठा के दोनों पार्टी का फैसला करते हैं। प्रतिनिधि का काम ये होता है, प्रतिनिधि का काम नहीं होता दोनों पार्टियों को झगड़े कराना। अब कहीं ना कहीं इतना मामला सेंसिटिव हो गया है, बंदूकों की बात आ गई है, लाठियों की बात आ गई है, रोड़े बरसाने की बात आ गई है, ये क्यों होती है? जब विधायक जी वहां प्रेजेंट है तो ऐसी व्यवस्था होनी ही नहीं चाहिए। अगर ऐसी व्यवस्था थी तो तुरंत प्रशासन को मौके पर बुला के जो भी दोषी है, चाहे दोषी कोई भी है, मैं किसी का पक्षधार नहीं हूं इस मामले में, जो भी दोषी उस पे कार्रवाई करते। लेकिन क्या इस मामले में नरेश यादव प्रशासन से मिले हैं? उन्होंने कहा है कि जो भी हो न्याय प्रिय हो। मेरी तो प्रशासन से गुहार है जी, जो भी दोषी हैं इसकी जांच करें और एक कमेटी बना के इसकी जांच करे प्रशासन, और उस कमेटी की जांच में जो भी दोषी हो, विधायक जी इसमें दोषी हो तो विधायक जी के ऊपर भी पर्चा दर्ज होना चाहिए जी, विधायक के ऊपर भी बिल्कुल कोई हो। जयप्रकाश सिर्फ जेपी ने कहा है कि हरियाणा बनने के बाद पहली बार ऐसा देखने को मिला है कि एक वर्तमान विधायक जमीन पर कब्जा कर रहा है, क्या आप इस बात से सहमत हैं? 10 जगह जमीन के कब्जों में इनका नाम आ चुका है, शहर की जनता जानती है। अब हर आदमी बोलना नहीं चाहता, बोल नहीं पाता। मैं आपको आपके चैनल पे कह रहा हूं, डिस्प्यूटेड जमीन का जहां भी मुद्दा आएगा स्थानीय विधायक का नाम जरूर जुड़ेगा। क्या की रीजन है स्पष्टीकरण दें जी। तो आपको क्या लगता है वजह क्या हो सकती है इसके पीछे? वजह एक ही है, सारे शहर में नहीं पूरे हरियाणा में इनके ऊपर भूमाफिया का टैग है, और ये जमीन के सौदे में हर जगह झगड़े में इन्वॉल्व हो जाते हैं। अगर ये ट्रक यूनियन और सेकंड पार्टी का किसी का मैटर है तो कानून अपना काम करे, कानून जिसको इसका अधिकार दे उसके पास होनी चाहिए। अगर 50 साल का जमीन का कब्जा उनका है और कानून को अधिकार देता है तो ट्रक यूनियन को दे देनी चाहिए। अगर सेकंड पार्टी के अपने डॉक्यूमेंट है और कोर्ट उनका फैसला करती है तो जमीन उनको दे देनी चाहिए। इसमें तो स्थानीय विधायक का तो मैटर ही नहीं बनता था। आज भावुकता ले रहे हैं, भाई मेरे को मार रहे थे, मेरे ऊपर बंदूक तान दी, मेरे को गोली मार रहे थे। अगर ये बात थी तो वहां प्रशासन बोला कि इनकी जांच कराओ ताकि ये झगड़ा बढ़े ना। अब भी मैं विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, दोनों पार्टियों को बिठा के प्रशासन को इनवॉल्व करके इनको आपस में फैसला कराओ, और या इनको अपना अपना कोर्ट जाने दो, कोर्ट से इसका फैसला होना चाहिए। यादव साहब कहीं ऐसा तो नहीं कि विधायक जी की जनप्रियता को देख के, लोकप्रियता को देख के आपके पेट में दर्द हो रहा हो कि भाई आखिरकार विधायक जी तो और एक बार फिर विधायक बनने जा रहे हैं? मेरे पेट में दर्द होने से है ना उनकी लोकप्रियता नहीं गिरेगी किसी के प्रति भी किसी। लेकिन आपने आरोप तो इतने बड़े बड़े लगाए। मैंने आरोप नहीं लगाया है, आरोप नहीं है, जो दिख रहा है वो बोल रहा हूँ, जो जनता बोल रही है वो बोल रहा हूँ। मैंने आरोप नहीं लगाए हैं, मैंने जो बात दिख रही है मुझे वो उनकी जिम्मेवारी बनती है, शहर के प्रतिनिधि हैं वो, मैं जिम्मेवारी पे बैठे हैं, और उनके होते अगर इतना बड़ा झगड़ा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनके फेलियर है, उनको बुला के प्रशासन इन्वॉल्व करके इसका फैसला करना चाहिए जी। एक बात और, जो दूसरा पक्ष है उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, विनोद भ्याणा की तरफ से भी शिकायत दी गई है, लेकिन एक मामले में एफआईआर दर्ज हो गई है, दूसरे में नहीं। मैं तो प्रशासन से यही कहना चाहूंगा कि राजनीतिक स्वेच्छा से और राजनीतिक दबाव में इस पूरे के पूरे प्रकरण में कोई काम नहीं होना चाहिए, प्रशासन की छवि भी इससे धूमिल होती है। दोनों पार्टियों का बयान दर्ज करके मौका वारदात जान के इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी दोषी है उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए जी। तो नरेश यादव किसके साथ है? मैं सच्चाई के साथ हूं, जो प्रशासन या कोर्ट से न्यायिक जिसके हक में आएगा मैं उसके साथ हूं जी। लेकिन यहाँ पे न्याय कहाँ नजर आता आपको? अभी आएगा प्रशासन कार्रवाई का। देखो बगैर जांच के तो मामला सॉर्ट आउट हो ही नहीं सकता। अब ये इशू बहुत बड़ा बन गया है कि उस इशू को जब ही निपटेगा जब प्रशासन इसकी दूध का दूध और पानी का पानी करेगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा जी। लेकिन अगर हम बात करें हांसी के कुछ नेताओं की, जी हाँ हांसी के अगर कुछ नेताओं की बात करें तो वो ट्रक यूनियन का यहाँ पे समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि ट्रक यूनियन के साथ हैं हम,
ऐसा है, नेता लोगों का तो फर्जी नहीं बनता, वो चाहे किसी भी पार्टी के हों, नेता लोगों को कभी भी दो भाइयों की लड़ाई में, दो पक्षों की लड़ाई में किसी का पक्ष और विपक्ष की बात ही नहीं करनी चाहिए। नेताओं लोगों का तो खासकर काम है, वो समाज के चुनिंदा जी मतलब नेता है जो, उनका फर्ज है कि समाज के अंदर शांति प्रिय भाव, शांति का वो शांति स्थापित हो, और जो भी अपने नेता लोग हैं उनका तो उनको आगे आके इस मामले को सॉर्ट आउट करा के शहर की शांति बहाल करना करवाना चाहिए। यादव साहब एक बात और, एक तस्वीर हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये देखिए राहुल मक्कड़ की तस्वीर है, भाई राहुल रविंद्र मक्कड़ ये लिखते हैं, और ये हांसी ट्रक यूनियन के साथियों से मिलकर उनकी समस्या को समझकर उन्हें अपना समर्थन दिया, और प्रशासन से भी आग्रह करता हूँ ट्रक यूनियन के भाइयों की मांग जायज है, उनकी मांगों को जल्द पूरा किया जाए। तो कहीं ना कहीं इस मांग को, इस पूरे प्रकरण को आप किस प्रकार से देखते हैं? ये देखिए ये फोटो भी एक उन्होंने अपनी फेसबुक वॉल पर लगाया है, जहाँ पर वो ट्रक यूनियन के साथियों का समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं। मैंने क्या क्या लगता है, अब इस मामले में राजनीति घुस गई है, या फिर विनोद भ्याणा को, बेचारे विनोद भ्याणा को, बेचारे विधायक को जो लोग बंदूकों के माध्यम से डराना धमकाना चाहते थे, उनके समर्थन में उनका भाईचारा कूद पड़ा और यहां हांसी की जनता कूद पड़ी? मैं तो ये कहता हूं, पहले ये तो साबित हो कि डराना धमकाना चाहते थे, ये साबित तो हो ना, अगर ऐसा किया है तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन विधायक जी के बयान देने से ये बात थोड़ी मान ली जाएगी। विधायक जी को फाइनल कोर्ट है क्या? विधायक जी ने कह दिया कि बंदूक तान दी तो मान ली, कल तो किसी और के नाम ही ले देंगे, उसका प्रूफ क्या है? जाहिर करो ना। यादव साहब आपने आज बहुत बड़ा बयान दिया है, बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए हैं, आप भावी उम्मीदवार हैं, भावी टिकटार्थी हैं, आपकी कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में बीच में आने के बाद आपकी राजनीति शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाए? ऐसा कुछ नहीं है, हमने किसी का इस पे ना समर्थन किया है ना विरोध किया है। हमारा मानना यह है जो भी गणमान्य लोग हैं वो इस पर राजनीति बिल्कुल ना करें, और राजनीति करना बनता भी नहीं है, क्योंकि जो प्रतिनिधि हैं या गणमान्य लोग हैं वही राजनीति करेंगे तो शहर का भाईचारा खराब हो जाएगा, हमें उसको कायम करना है। जमीन का विवाद उसको कोर्ट सुलझाएगी, कोर्ट में वो मामला जाएगा, प्रशासन सुलझाएगा, प्रशासन उसके डॉक्यूमेंट मांगेगा, जो नजायज है, मैं कहता हूं जो भी नजायज है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिलता है तो नरेश यादव क्या बीच में आएंगे? न्याय क्यों नहीं मिलेगा? हिंदुस्तान के अंदर हमारे को, हमारा जो कोर्ट है उसकी पूरे हिंदुस्तान के अंदर मिसाल है, यहाँ न्याय मिलता है। अगर प्रशासन नहीं देता तो कोर्ट जाएंगे, कोर्ट ले लो न्याय, कोर्ट दे देगी न्याय। जी देखिए ये है नरेश यादव, जो बेबाक तरीके से आज हांसी के विधायक के द्वारा कही गई बातों को लेकर, उनके द्वारा कहे लगाए गए आरोपों को लेकर बेबाक और बिंदास अंदाज में बोलते हुए नजर आए। हालांकि पूरा हांसी इस पूरे प्रकरण को जानना चाहता है, बारीकी से इसके बारे में जानकारी हासिल करना चाहता है, तमाम लोगों की जुबानी भी पहले भी हमने आपको सुनवाया था, आज हमने हांसी से कद्दावर नेता नरेश यादव के माध्यम से भी आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की है कि आखिरकार हांसी में चल क्या रहा है, क्यों हांसी का नाम बार बार पूरे हरियाणा में सुर्खियों में आ रहा है, खासकर जमीनों के मामले में, खासकर भू माफिया के मामले में, आखिरकार इस रहस्य के पीछे क्या वजह है, और अब ये पर्दा उठने वाला है क्योंकि जनाब चुनाव आने वाला है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस मामले में दोनों पक्षों को बराबर तोलता है, या फिर कहीं ना कहीं राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यह मामला किसी और दिशा में परिवर्तित कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।